हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च का सब्ज़ी। दोस्तों, शिमला मिर्च का सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने 500 ग्राम शिमला मिर्च ली है और इसको हमने छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट लिया है। ये दो मीडियम साइज़ के प्याज, दो टमाटर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ली है, एक छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की जिन्हें हमने बारीक पीस ली है, और ये सरसों का तेल लिया है 1 बड़ी चम्मच। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये हमने गैस को स्टार्ट कर लिया और कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। इसके अंदर अब डालेंगे तेल, अब इसके अंदर डालेंगे जीरा, जीरे को बिल्कुल ब्राउन होने तक पकने देंगे। 2 से 3 मिनट में जो है जीरा बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए, जीरा बिल्कुल पक चुका है, ब्राउन हो चुका है। और अब डालेंगे इसके अंदर प्याज, प्याज को बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है 1 से 2 मिनट तक। अब इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च, देखिए शिमला मिर्च डाल दी है, और इनको भी तेल के अंदर बिल्कुल थोड़ा जो है फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे टमाटर, इसके अंदर अब डाल देंगे हल्दी पाउडर, और हल्दी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्दी को बिल्कुल जो अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिर्ची पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और लहसुन का पेस्ट, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला ना जल जाए। देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला जो है वो बिल्कुल पक चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी और डाल देंगे। ये देखिए, और इसको 2 से 3 मिनट तक जो है ऊपर से ढक्कन लगाकर पकाना है, तो वीडियो में लगातार बने रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, और अब हम इसे अलग बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट शिमला मिर्च की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, और हमने इसे अलग बर्तन के अंदर भी निकाल लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।